ये लेक्चर हमने जेनेटिक्स पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में किया है। इस लेक्चर में एमडी कैड नम्स और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हमारे फेलो फायदा उठा सकते हैं। पहले अगर आप लेक्चर नंबर 10, 11, 12 यूट्यूब से देख लें, आपको इसको मजीद समझने में या उनको रिवाइज करने में ये साबित होगा कि आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर सकेंगे उन चैप्टर को 10, 11, 12। लेकिन अगर वहाँ से पॉइंट क्लियर नहीं होते तो इंशाल्लाह आप मैसेज कर सकते हैं, जीमेल के जरिए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी, जेनेटिक्स की कंटिन्यूटी में 13 लेक्चर है। हमने आगाज़ किया था कि डीएनए द जेनेटिक मटीरियल और डीएनए लोकेटेड इन द क्रोमोसोम इन केस ऑफ यूकेरियोट्स देयर इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम विच कंटेन जीन, द जीन में भी होमोजाइगस और द डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। जीन जगह मौजूद होते हैं उसको लोकस कहते हैं, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड अलील। कलेक्टिवली ये क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसमें एक बी कैपिटल और बी स्मॉल है जो डिफरेंट है। ये क्रोमोसोम का एक पेयर है जिसके ऊपर जीन ए कैपिटल विद रेस्पेक्ट टू और बी के हवाले से बी कैपिटल बी स्मॉल हेट्रोजाइगस है। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के दौरान हर सिस्टर क्रोमेटिड बनता है, यानी जीन एक नया जीन भी उसी जैसा अपनी अल्टरनेटिव जो उसकी वैरायटी होती है उसको रेप्लिकेट करता है। लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते, सेंट्रोमियर रिमेन सेम, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे रेप्लिकेशन के दौरान। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनरेप्लिकेटेड एंड द रेप्लिकेटेड फॉर्म। इसमें जो अलील होंगे वो एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के साथ, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है, सिस्टर का आपस में अलील नहीं कहलाते। नॉन सिस्टर के जीन अल्टरनेटिव फॉर्म में वो आपस में अलील कहलाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जबकि ये दोनों जीन आपस में अलील नहीं है, जबकि दोनों एक सिंबल से भी जाहिर करते हैं जो कि सिस्टर से बिलोंग करते हैं, ये भी नॉन अलील हैं। बैक्टीरिया के अंदर सिंगल जीन होता है और उसका जीन पेयर भी जाहिर एक अलील ही पेयर होगा। क्याज्मा हमने एक जस्ट टर्म पढ़नी है, जब नॉन सिस्टर आपस में अटैच होते हैं तो प्रोफेज के दौरान मियोसिस के दौरान उसको हम क्याज्मा कहते हैं। क्याज्मा क्रॉस जहाँ नॉन सिस्टर आपस में एक सिनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइनेप्सिस पेयरिंग को कहते हैं, जबकि सिनेप गैप होता है माइक्रोस्कोपिक गैप। सेंट्रोमियर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, अदर देन द सेंट्रोमियर द लोकेशन ऑफ द कंडेंस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। जंग जीन विच आर द नॉन कोडिंग हेट्रोक्रोमैटिन नॉट एक्सप्रेस नॉट ट्रांसलेट वेल द यू क्रोमैटिन आर द ट्रांसलेटेड। 92% हमारे क्रोमोसोम का, हमारी बॉडी के क्रोमोसोम यू क्रोमैटिन फॉर्म में होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो इजिली एक्सप्रेस नहीं होते, ट्रांसलेट नहीं होते, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, प्रोटीन नहीं होती, प्रोटीन नहीं बनाते आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। क्रोमोसोम का जो एंड होता है वहाँ टीलोमर होते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जो इनकी प्रोटेक्शन करता है, और ये दोनों सिरों पर होते हैं, यहाँ एक साइड पर नजर आ रहे हैं। कपलिंग फेज, एक ही क्रोमेटिड के ऊपर जो जीन होते हैं वो आपस में कपलिंग फेज कहलाते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं सिज, एक ही यानी लिंकेज ग्रुप जो आगे चल के हमने एक्सप्लेन करना है, लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है। जबकि जो अपोजिट सिस्टर पे होते हैं वो ट्रांस फेज में होते हैं, एक क्रोमेटिड भी जो होते हैं वो कपलिंग फेज में या सिज फॉर्म में होते हैं, जबकि जो सिस्टर पे होते हैं वो ट्रांस फेज में होते हैं। रिपल्शन फेज, होमोलोगस के जो जीन होते हैं वो रिपल्शन फेज में होते हैं, जिनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, जिनकी रिकम्बिनेशन होती है, जिसका क्याज्मा बनता है, सिनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो रिपल्शन फेज में होते हैं। कपलिंग रिएक्शन वो कहलाते हैं जो केमिस्ट्री में जरा इस्तेमाल होता है, दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी इनऑर्गेनिक थर्ड वन से इंटरमीडिएट से मिलकर लिंक होते हैं, यानी दो साइडों पे ऑर्गेनिक कर लें और दरमियान में इनऑर्गेनिक हो तो उसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और बायो में भी कपलिंग रिएक्शन जो साइड बाय साइड चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के साथ क्रैब साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो वो भी कपलिंग रिएक्शन के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो सिस्टर क्रोमेटिड आल्सो कॉल्ड डॉटर क्रोमेटिड आल्सो कॉल्ड रेप्लिकेटेड फॉर्म।
ट्रांसपोसॉन्स या जंपिंग जीन होते हैं जो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, इनकी अपीयरेंस भी जाहिर है यकीनन चेंज होती रहती है। जीन्स की मुख्तलिफ फॉर्म हो सकती हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, सिंगल एलील फॉर्म में भी होंगे और डिफरेंट एलील भी हो सकते हैं। सिंगल एलील में ये कि उनकी सेम ही मॉर्फोलॉजी होती है, जबकि यहाँ देखें उसकी डिफरेंट हो सकती है, टॉल और शॉर्ट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये टू डिफरेंट एलील होंगे। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन है वो उसका जीन पूल कहलाता है। अब यहाँ इस पॉपुलेशन में टोटल मेंबर 9 है, इसके जीन्स की तादाद 18 होगी, क्रोमोसोम की तादाद 18 होगी, जबकि जीन पूल की तादाद 4 है। देर इज अनदर पॉपुलेशन, उसमें भी इसी किस्म की वेराइटी है। अब इसमें A2 जो है वहां से मूव करता हुआ यहाँ है, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। अब इसमें से कुछ ही रह गए लाइक ए बॉटल नेक इफेक्ट, जिनकी तादाद कम लेगी तो इसको हम बॉटल इफेक्ट कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी हैवक की वजह से, किसी जलजले की वजह से, किसी तूफान की वजह से, कैटास्ट्रोफिज्म की वजह से इनकी तादाद कम रहेगी। अब यही आगे चल के ज्यादा बढ़ेंगे तो हम इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी पॉपुलेशन को जीन पूल जो है वो कम हो गया क्योंकि वेराइटी एक स्मॉल यहाँ ए नजर नहीं आ रही, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए। द पॉपुलेशन डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड पॉपुलेशन प्रेशर। बेसिकली ये ए जीन था जिसकी 3 म्यूटेशन जाहिर हुई, तो टोटल हम कह सकते हैं यहाँ 4 किस्म के तमाम पॉपुलेशन में जीन आगे बढ़ते चले गए। तो ये इसकी जो अलील हैं म्यूटेशन के बाद जाहिर हुई और इन्होंने जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबब बना, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल जो जाहिर होते हैं उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जीन पूल यहाँ डिक्लाइन हुआ है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, पॉपुलेशन प्रेशर भी बढ़ा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं इस सूरत में वेराइटी कम हुई है क्योंकि जीन पूल भी यहाँ कम हो गया है, वेरिएबिलिटी कम हुई है। तो ये ऊपर हमने डबल अलील की एग्जांपल ली थी और इसके साथ साथ मल्टीपल अलील भी होते हैं जिसको हम अब आगे चल के डिस्कस करते हैं। पोली जीन, सिंगल जीन एक ही ये अलील है, सिंगल अलील कराएंगे, यहाँ देखेंगे तो मुख्तलिफ वैरायटी होंगी, तो टाल और शॉर्ट हो सकता है, तो RH हीमोफीलिया हो सकता है, तो ये रेड और वाइट ये आपस में डबल, यानी यहाँ देखें अलील की डबल अलील हैं, और मल्टीपल अलील मोर देन, यहाँ देखें एक ही जीन की मुख्तलिफ शेप्स होंगी तो वो मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल अलील डिस्कवर वाज द ब्लड ग्रुप, और यहाँ तो जीन भी मुख्तलिफ हैं, ABC जीन मुख्तलिफ है इसमें और इसमें, ये डिफरेंट है, यहाँ जीन एक है और उसकी डिफरेंट फॉर्म है ए में, और यहाँ देखें 3 जीन है और 3 फॉर्म है, यहाँ 2 फॉर्म है, यहाँ हम कह सकते हैं 1 फॉर्म है, यहाँ भी 1 फॉर्म है। अब इसी चीज को जब हम देखते हैं तो सबसे पहली जो जीन थी जो विलियम जॉनसन ने दी थी वो जीन था, यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है, गैमेट्स इज द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड द गैमेट्स कंटेन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ DNA, और इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है DNA और RNA के अंदर दैट इज कॉल्ड जीन, और इसी से फिर आगे प्रोटीन बनती है। हम कह सकते हैं बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एरिडिटी जो है वो जीन है, क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट का नाम भी जीन है, और यही फिर आगे रेप्लिकेशन के जरिए आगे ट्रांसफर होते हैं, इनकी फॉर्मेशन चलती रहती है। बैक्टीरिया की जीन जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, तो प्लाज्मिड नॉन क्रोमोसोमल DNA जो है उसके अंदर भी जीन होते हैं, नॉन एसेंशियल जीन होते हैं, वायरस आल्सो कंटेन जीन, और रिट्रोवायरस के अंदर चूंकि RNA होता है तो RNA आल्सो कंटेन जीन। फीमेल हैव मोर जीन एज कम्पेयर टू मेल ड्यू टू देयर XX क्रोमोसोम, उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं इस वजह से हम कहते हैं। अब एक लफ्ज आम तौर पे इस्तेमाल होता है लोकस, लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस, क्रोमोसोम के ऊपर जीन के अल्टरनेटिव नाम भी मिलते हैं, जीन मार्कर भी कहते हैं, DNA मार्कर भी कहते हैं, मोलेकुलर मार्कर भी कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर भी कहते हैं। ट्रांसपोसिबल एलिमेंट वो होते हैं जो जंपिंग जीन होते हैं, जंपिंग जीन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, तो हम जीन साइलेंसेस जो होती है जो बिल्कुल खामोशी से यानी कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं होते, मौजूद होते हैं लेकिन उनकी एक्सप्रेशन आमतौर पर रुकी रहती है, ये भी आरजी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। जबकि हमारी बायो में एक लफ्ज आजकल इस्तेमाल हो लोकस, जिसको टिड्डी दिल कहते हैं, इसको जरा मिक्स नहीं कर लेना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसने इसके ऊपर काम किया था, तो पी प्लांट की उसने बेसिकली 4 करेक्टर देखे थे, यानी एक सीड करेक्टर था, फ्लावर था, पॉड था और स्टेम था, फिर उसके अंदर उसने ट्रेड देखे थे, कुछ डोमिनेट थे और कुछ रिसेसिव थे,
ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं और करेक्टर इसके अंदर 4 हैं, यानी सीड देखा है, सीड में फिर उसने फॉर्म और कॉटिलीडन देखा, फिर इसमें कुछ डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव, इनको ट्रेट कहते हैं, उसको जीन का नहीं पता था, इवन क्रोमोसोम का भी नहीं पता था, उसने 7 क्रोमोसोम देखे, 7 करेक्टर देखे, बाद में पता चला ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर 4 क्रोमोसोम पे मौजूद है। अब इसमें खास बात जो आपने याद रखनी है कि देखिए कॉटिलीडन तो यहाँ येलो डोमिनेंट है, लेकिन यही येलो कलर आगे यहां देखें रिसेसिव में है, पॉड में आएगा तो ये रिसेसिव है। सिमिलर ग्रीन कलर अगर आप यहां देखें पॉड के अंदर देखें तो ये डोमिनेट है, और अगर कॉटिलीडन में देखेंगे तो ये रिसेसिव होगा। तो ये भी ख्याल रखना है ऑब्जेक्टिव में कि जल्दी में बाद हमने येलो पढ़ा, हमने बस उसको डोमिनेट कह देना है। तो येलो इनके हिसाब सीड कॉटिलीडन कलर इज ए डोमिनेट, बट एट द सेम प्लांट पॉड कलर में येलो जो है ये रिसेसिव है। सिमिलर द ग्रीन पॉड इज ए डोमिनेट एंड द ग्रीन इज ए रिसेसिव। तो एक ही करेक्टर देखें दो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मानी जाहिर करते हैं। तो मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन सेल्फिंग का मेथड, यानी अपनी पोलन ग्रेन लेके उसी पे डाला था, जबकि डस्टिंग के अंदर ये होता है क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियल, उसके एक के मेल पार्ट काट दिए जाते हैं और डस्ट पोलन ग्रेन को डस्ट किया जाता है जस्ट एक ब्रश के जरिए। तो जैसे पीछे बताया जॉनसन ने जीन के बारे में बताया था, उसी ने कहा था कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक होते हैं, जो चीजें एक्सप्रेस होती हैं वो फिनोटाइप्स होती हैं और इंटरनल मेकअप जीनोटाइप होती है, आइदर इट मे बी ट्रू। तो ट्रू ब्रीडर के ये पता चलता है कि अगर उसकी सेम टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग हो तो वो ट्रू ब्रीडर होती है, होमोजाइगस होती है, और अगर उसमें से कोई डिफरेंट वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है तो हेटरोजाइगस होती है। मेंडल के फर्स्ट लॉ को मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, मोनो हाइब्रिड लॉ भी इसी को कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसी को कहते हैं, जिसमें हमेशा फिनोटिपिक रेशियो F2 में 3:1 होती है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होती है। इसकी जीनोटिपिक रेशियो होमोजाइगस जो है F2 में 1:4 होती है और हेटरोजाइगस जो होंगे वो 2:4 होंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव में 1:2 भी और 0.5 भी लिखा जा सकता है। जीनोटिपिक रेशियो होमोजाइगस रिसेसिव ऑलवेज 1:4, और अगर टोटल आ जाए होमोजाइगस जिसमें डोमिनेंट रिसेसिव ना लिखा हो तो उसका आंसर भी 2:4 होगा, उसका भी आंसर 1:2 होगा, इसको सम रूल कहते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस जीनोटिपिक रेशियो होमोजाइगस रिसेसिव इज इक्वल टू 1:4 प्लस 1:4 2:4 इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू 0.5। तो होमोजाइगस की जो रेशियो होगी वो भी 0.5, जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट का जिक्र ना हो, होमोजाइगस रिसेसिव का ना हो, सिर्फ होमोजाइगस, तो वो 2:4 होगा, यानी 0.5। ये टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का आपस में क्रॉस कराएगा, इससे सारे के सारे टाल बने थे। F1 को सेल्फ क्रॉस आपस में क्रॉस कराने के बाद जो F2 बना इसमें 3 टाल थे और 1, और इसकी जीनोटिपिक रेशियो 1:1 थी। P1 पेरेंटल क्रॉस, जहां से क्रॉस शुरू किया जाता है उसको हम पेरेंटल क्रॉस कहते हैं। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, आमतौर पर यही लिखा होता है, लेकिन पौधे मियोसिस के बाद हमेशा स्पोर बनाते हैं। हमने लिखा गैमेट ही होता है, लेकिन स्पोर से फिर आगे गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से आगे गैमेट्स बनते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन को हम F1 कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन इज ए टाल, इट मीन इट इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। अब दोबारा इसकी सेल्फ क्रॉस होगा तो इससे F2 बनेगा, जिसमें 3:1 रेशियो होगी। इसी तरह आगे F3 भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो मेंडल जो फर्स्ट लॉ, इसमें राउंड 3:4 थे, येलो 3:4 थे, अगर इंडिपेंडेंट हम लें रिंकल भी 1:4 थे और ग्रीन भी 1:4 थे। अगर येलो और ग्रीन का क्रॉस कराया जाए तो उसका यह था राउंड और रिंकल का कराया जाए। जबकि प्रोडक्ट रूल भी ये होते हैं कि अगर इन दो इंडिपेंडेंट को क्रॉस किया जाए तो वहां से मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट हासिल होगा। तो राउंड इंटू येलो इज इक्वल टू 9। सिमिलर द राउंड एंड द ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, टू इंडिपेंडेंट को जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे, तो अगर हम इसी तरह टाल और शॉर्ट को भी क्रॉस करें तो F2 में 3:4 टाल होंगे और शॉर्ट 1:4 होगा। अगर इसको प्रोडक्ट रूल में ले आए तो किसी भी राउंड और टाल की प्रोपोर्शन निकालना हो तो वो 9:16 होगा। इसी तरह राउंड और शॉर्ट का भी निकाला जा सकता है, रिंकल और टाल का भी निकाला जा सकता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोनो हाइब्रिड, दो इंडिपेंडेंट मोनो हाइब्रिड का जो प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो डाई हाइब्रिड बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, जिस तरह हमने पीछे जिक्र किया है सम रूल, और यहां आ जाता है प्रोडक्ट रूल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ। इसमें क्या था कि राउंड और येलो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर एक होंगे, इसलिए इसको हम डाई हाइब्रिड लॉ भी कहते हैं। रिंकल और ग्रीन थे, इसका F1 के अंदर सब के सब राउंड और येलो थे, इट मीन द राउंड इज ए डोमिनेंट, येलो इज ए डोमिनेंट। आगे F2 सेल्फ क्रॉस के बाद हमें ये रिजल्ट हासिल होता है।
तो हमने देखना है कि इसमें होमोजाइगस, जो सब के सब होमोजाइगस हैं, अगर डोमिनेंट का जिक्र आएगा तो 1/16, इसी तरह रिसेसिव भी एक होगा। इसकी रेशियो भी हम फिनोटिपिक 9:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। अगर आप गौर से देखें पूरे टेबल में एक ऐसा होगा यानी होमोजाइगस, ये इसकी रेशियो 1 बनेगी, दो ऐसे होंगे इसकी रेशियो 2 बनेगी राउंड और येलो की, फिर दो ऐसे होंगे येलो और राउंड और येलो की, और चार ये सेंटर वाले होंगे, फिर दो ऐसे होंगे जो रिंकल और येलो होंगे, एक अकेला ऐसा होगा और फिर दो ऐसे होंगे और फिर अकेला ऐसा होगा, ये इसकी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1, ये फिनोटाइप हिसाब से 4 बनते हैं, जबकि अगर आप जीनोटाइप के हवाले से देखें 1:2:2:4:1 दैट इज ए 1:2, ये 2 ऐसे होंगे, 1 अगेन 2, ये 2 ऐसे होंगे और फिर 4 ऐसे होंगे, येलो रिंकल एक ऐसा होगा, 2 ऐसे होंगे, फिर इसी तरह देखें ग्रीन और राउंड एक ऐसा होगा और फिर 2 ऐसे होंगे, तो हम कह सकते हैं 1:2:2:4:1:2:1:2:1, तो ये टोटल जीनोटाइप बनेगी 9। तो वंस अगेन ऑब्जेक्टिव फिनोटिपिकली इसकी टाइप 4 बनेगी, राउंड और येलो 1, राउंड और ग्रीन 2, रिंकल और येलो 3 और इसी तरह राउंड और ग्रीन 4। तो ये इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल F2 के अंदर इंडिविजुअल हैं 16, F1 ऑलवेज P1 पेरेंट्स को कहते हैं, मेल गैमिट्स 4 थे, फीमेल गैमिट्स भी 4 थे, 4 × 4 = 16। गैमिटोजेनेसिस इसमें गैमिट्स की रेशियो 0.5 की, और ये डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, सेल्फ क्रॉस F1 विद F1। डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस भी हम इसी किस्म का ले सकते हैं कि अगर हम उसको रिसेसिव से कराएंगे तो उसकी भी रेशियो हमेशा 1:1 बनेगी। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आंसर 1:1, डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आंसर 1:1, ट्राईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आंसर 1:1, हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। F1 के अंदर डाईहाइब्रिड डायलीले करेक्टर है, ये डाईहाइब्रिड इसका टेस्ट क्रॉस भी आ गया, इसमें कंप्लीट डोमिनेंस भी आ गया, लाफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट में भी जस्ट और सिंगल क्रॉसिंग ओवर का ये रिजल्ट आता है, और रिकम्बिनेशन की भी प्रोपोर्शन यही होगी। सिमिलरली अगर हमने ट्राईहाइब्रिड क्रॉस देखे तो ट्राईहाइब्रिड में ये देखें डार्क और रेड ये वीट कलर थे, इसको हमने व्हाइट के साथ क्रॉस कराना, ये भी एक किस्म का टेस्ट क्रॉस है। तो F1 में सारे के सारे तकरीबन पिंक जाहिर हुए थे, तो पहले उन्होंने कंसिडर किया था कि शायद ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, बाद में पता चला ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, ये तो पॉलीजेनी है, इसी को हम ट्राई हाइब्रिड कहते हैं, इसमें टेस्ट पॉलीजेनी भी है, ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स है। कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स वो होते हैं जो एक इंसान एक वेराइटी से दूसरे वेराइटी में चेंज होते रहते हैं, जैसे ह्यूमन हाइट है, एक इंसान की हाइट दूसरे से मुख्तलिफ होती है, दैट इज ए कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। कलर इंसान का स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, साउंड पिच, ये सारी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं जिसमें मोर देन 2 जीन होते हैं, तो यहाँ 3 जीन है, इसलिए हम इसको ट्रायल ही ले कहते हैं। ये ट्राई हाइब्रिड करेगा, इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो तो उसकी रेशियो 1:2:1 आती है। हाँ जी, ये वीट ग्रीन कलर है, अगर गौर से देखें तो यहाँ लाइट रेड F1 के अंदर हमने जब इसका सेल्फ क्रॉस किया है तो मियोसिस से स्पोर बनते हैं, उससे गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स 8 टाइप्स के होंगे दोनों से, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास 2^n, n इज ए हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस 3 है, तो 2^3 इज इक्वल टू 8, ये 8 टाइप्स के गैमिट्स बनेंगे दोनों से, तो हमने कामा लिख दिए, दोनों से इसी किस्म के बनेंगे। इन गैमिट्स को हम यहाँ इसके ऊपर लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर आइडेंटिकल, ये F2 होगा, इसका चेकर बोर्ड F2 टोटल 16, जब इनको हम कॉम्बिनेशन करते चले जाते हैं तो ये मेल और फीमेल गैमिट्स फ्यूज होते चले जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनती चली जाती है। इन कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर तीनों डोमिनेट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 डोमिनेट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 1 डोमिनेट होगा, तो ये हमने वो फिगर है कि इसमें कोई डोमिनेट 0 है, जिसमें 1:1 है इसमें 1 डोमिनेट है, सिंगल डोज जिसमें 2 होंगे उसके डबल डोज, जिसके अंदर 3 होंगे उसको ट्रिपल डोज, जिसमें 4 होंगे उसको टेट्रा डोज, जिसमें 5 होगा पेंटोज, और 1 होगा जिसमें 6 की 6 डोमिनेट होंगी, तो वो तो हम इस नंबर से हम इसके डोमिनेट जीन यानी डोज को कैपिटल
लेटर में हम जाहिर करते हैं। अब इसी टेबल से हम ये दूसरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कि इसके अंदर जीरो डोज में सिर्फ आखिर वाला एक ही बचता है जिसमें कोई कैपिटल नहीं है, तो इसका कलर भी व्हाइट होगा। वन डोज में एक कैपिटल, कोई सा एक जीन, इसकी रेशियो बनेगी 6। या भी हम इस टेबल को इसी पिछले टेबल से फिल कर लेते हैं, सिर्फ जो कैपिटल लेटर वाले हैं हम उसको लिख रहे हैं, इसमें हम स्मॉल लेटर नहीं लिख रहे ताकि हमें लिखने में आसानी होगी। ये ऊपर वाला टेबल, इसको देख के हम आसानी से फिल कर सकते हैं। टू डोज के मतलब कोई से दो कैपिटल होंगे, थ्री डोज से मुराद होंगे कोई से तीन कैपिटल होंगे, चार और पांच और छह, फिर इसी तरीके से हम इन सबको अलहदा कर सकते हैं। इनकी तादाद कितनी होगी, इनका फिनोटाइप क्या होगी, ये पिंक होगा, लाइट रेड होगा, रेड होगा, मॉडरेट डार्क रेड होगा और ये डार्क रेड होंगे। इनकी रेशियो क्या बनेगी, 1/64। कैंसिल करने के बाद 6/64 को कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 पे डिवाइड करने से ये भी आंसर दोनों मिल जाते हैं। तो ये ऊपर वाला टेबल, ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर बनते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। अगर इनकम्प्लीट होती तो हमें सिर्फ 3 हासिल होने थे। ये F2 जनरेशन है। अब सम अप कर ले उन सारी चीजों को, मोनो हाइब्रिड की F2 में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 थी, डाई हाइब्रिड की 9:3:3:1 और जीनो 1:2:4, 1:1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों की 1:1 होती है, ट्राई हाइब्रिड की 1:6:15:20 और 15:6:1। मोनो हाइब्रिड फर्स्ट ला की फिनोटिपिक F1:1:1 आती है, डाई हाइब्रिड की 1:1 है, ट्राई हाइब्रिड की भी 1:1 है। टेस्ट क्रॉस ऑफ होमोजाइगस इज ऑलवेज 100%, टेस्ट क्रॉस ऑफ हेटरोजाइगस इज नॉट इक्वल टू 100% बट नॉट मोर देन 50% ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैपिटल जीन अगर इस किस्म के लिखे हो तो ये कंप्लीट डोमिनेंस होती है, दैट इज ए मेंडेलियन ट्रेट। सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस पे मेंडल लॉ एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इन्हीं को हम मेंडेलियन करेक्टर कहते हैं। अगर ये रेशियो 3:1 हो तो फिर हम कह सकते हैं ये मेंडेलियन, अगर 3:1 रेशियो नहीं होगी तो वो नॉन मेंडेलियन होगी, जिसमें अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर नहीं, बराबर है 1:1 और ये नॉन मेंडेलियन है। इसमें डोमिनेंट भी जाहिर हो रहा है और रिसेसिव भी जाहिर हो रहा है, दोनों F1 में रिसेसिव भी 50% जाहिर हो रहा है और डोमिनेंट, जबकि डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंस में सिर्फ डोमिनेंट 100% जाहिर हुआ है, रिसेसिव 0% था। अब इस करेक्टर में देख लें, यहां को डोमिनेंस है, दोनों इक्वली जाहिर हो रहे हैं। इनकम्प्लीट में भी इक्वली थे, को डोमिनेंस में भी इक्वल हैं, लेकिन इनकम्प्लीट में पार्शियल हैं, इसलिए इनकम्प्लीट को पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट को पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, जबकि को डोमिनेंस में इक्वेलिटी होती है, दोनों 100% जाहिर करते हैं। अगर एक जीन दूसरे को कंट्रोल करता है तो वो डोमिनेंस कहलाता है, लेकिन अगर एक जीन मुख्तलिफ करेक्टर को कंट्रोल करता है तो वो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। दो मुख्तलिफ ट्रेट हो और जीन एक ही हो तो इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और अगर दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम हो, एक फर्ज के 9 और एक 19 और दोनों आपस में होमोलोगस ना हो, दोनों के लोकस सेम ना हो और एक दूसरे के ऊपर असर अंदाज करें, तो उसको एपिस्टेसिस कहते हैं, नॉन होमोलोगस डोमिनेंस इसी को कहते हैं। जबकि पॉलीजेनी पहले कहा जाता था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन इसकी रेशियो F2 में 1:1 नहीं थी, इसकी रेशियो 1:6:15:20:15:6:1 थी, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से निकाल देगा। पहले कंसिडर किया जाता था कि F1 का रिजल्ट देखकर, जबकि बाद में पता चला इसकी फिनोटाइप 7 है, 3 नहीं है, जबकि इनकम्प्लीट में 3 बनती है। मल्टीपल एलील, फर्स्ट मल्टीपल एलील वार द ब्लड ग्रुप, क्रोमोसोमल थ्योरी इसी से रिलेटेड है कि जिसमें कहा जाता था कि ये जो जीन है ये कहाँ मौजूद होते हैं, जिसकी डिस्कशन पीछे चलती आ रही है, तो ये जीन तो क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, तो ये सटन ने और बोवेन ने दिया था, लेकिन इसको साबित करने के लिए TH मॉर्गन ने फिर ड्रोसोफिला पे काम किया था, तब जाके ये साबित हुआ कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जबकि मेंडल को क्रोमोसोम और जीन का नहीं पता था, वो तो सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करता था, करेक्टर 4 ट्रेट, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, वो कहता था कि एक ट्रेट जो है वो एक क्रोमोसोम की वजह से है, 14 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर इंसान में देखे जाए तो क्रोमोसोम तो है 46 और करेक्टर बनते हैं, ट्रेट बनते हैं मिलियन, इसका मतलब एक क्रोमोसोम कई करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये TH मॉर्गन ने फिर इसी बेस पे नोबेल प्राइज भी जीता था। अब जरा इसी पोर्शन की तरफ आए कि क्रोमोसोम लिंक के हवाले से दो किस्म के होते हैं, जीन टू जीन लिंकेज या इंट्रा जीन लिंकेज, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक क्रोमेटेड होते हैं, उसके लिंकेज ग्रुप है जिसके पीछे हमने कहा है सिज फॉर्म,
तो सीज फॉर्म में लिंक टू लिंक एक जीन से होते हैं, तो सीज फॉर्म में क्रोमोसोम जीन टू जीन जो लिंक बनाते हैं उसको हम कहते हैं जीन के जीन जो लिंक बनाते हैं तो उस वाले से। तो इंट्रा जीन जो लिंक है इसका नाम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जिसमें जीन विद जीन सीज फॉर्म लिंक। दूसरा है कि जीन किस क्रोमोसोम पर मौजूद है, इसका रिलेशनशिप देखा जाता है। तो जेनेटिक लिंकेज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए होता है। एक लिंकेज ग्रुप, जितने होमोलोगस पेयर होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे ये। जबकि जो सेक्स जो जीन टू क्रोमोसोम लिंक होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या ऑटोसोमल लिंक होंगे या सेक्स लिंक होंगे। ऑटोसोमल लिंक की पहचान ये है कि ये मेल फीमेल में जो भी करेक्टर बराबर एग्जिस्ट करते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। जबकि सेक्स लिंक जीन वो होते हैं जो मेल फीमेल में इक्वली एग्जिस्ट नहीं करते, वो सेक्स लिंक होते हैं। सेक्स लिंक की फिर दो किस्में होती हैं, एक्स लिंक और वाई लिंक। वाई लिंक तो सिर्फ मेल में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं, जैसे SRY। जबकि एक्स लिंक की फिर दो किस्में होंगी, कुछ एक्स लिंक डोमिनेंट होंगे, कुछ एक्स लिंक रिसेसिव होंगे। एक्स लिंक रिसेसिव की ये निशानी है कि वो मेल में ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्स लिंक डोमिनेंट की निशानी ये होती है कि ये फीमेल में ज़्यादा होते हैं। जबकि सूडो ऑटोसोमल जीन वो होते हैं जो एक्स और वाई दोनों पे होते हैं लेकिन एक्ट एज ऑटोसोमल करते हैं, दोनों पे होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पे होते हैं, उसको सूडो ऑटोसोमल जीन कहते हैं, बट बिहेव एज ऑटोसोमल, क्योंकि ऑटोसोम की हमने निशानी क्या पढ़ी है कि जो मेल फीमेल दोनों में इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स लिंक रिसेसिव की अगर हम बेस्ट एग्जांपल लें तो हीमोफीलिया है, रेड ग्रीन बाल्डनेस ब्लाइंडनेस है, और वाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला जो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल में कम होता है, बाल्डनेस मेल में ज़्यादा है फीमेल में कम है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट की एग्जांपल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है, तो जो फीमेल में ज़्यादा होता है मेल में कम है वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। जबकि ब्लड ग्रुप जीन जो हैं ये ऑटोसोमल में आते हैं, जो मेल फीमेल दोनों में इक्वली एग्जिस्ट करते हैं, एक ही जैसे होते हैं। रेड आई फीमेल का क्रॉस किया गया रेड आई मेल के साथ, तो उससे हमें वाइट आई भी ज़ाहिर हुआ, तब उसी को जब हम एक चेकर बोर्ड की ज़ाहिर में करते हैं तो W पॉजिटिव से मुराद डोमिनेंट है। हमने पीछे भी बात की है कि जो पॉजिटिव निशानी है ये कैपिटल के लिए है, जबकि W स्मॉल जो है ये म्यूटेशन के लिए है। जो रेड आई फीमेल है जिसके अंदर दोनों होमोजाइगस होंगे इसको वाइल्ड टाइप भी कहते हैं, ट्रू ब्रीडर है। मेल के अंदर रेड आई सिर्फ और वाई के ऊपर तो ये जीन होता ही नहीं है, जबकि इसके अंदर वाइट आई पहली दफ़ा जो ज़ाहिर हुआ था तो वो मेल के अंदर ज़ाहिर हुआ था, जबकि फीमेल भी वाइट आई हो सकती है। अगर फीमेल होगी तो दोनों एक्स के ऊपर W स्मॉल होगी, और अगर मेल होगा तो एक होगा। तो ये इसके जस्ट उसका चेकर बोर्ड, इसके गैमिट्स बनते हैं, फीमेल एग मेल हेट्रोगेम गैमेटिक होता है, इसके स्पर्म बनते हैं। तो ड्रोसोफिला की फिनोटाइप से भी बाद में पता चला था हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ड्रोसोफिला की आई अगर आप गौर से देखें ये डार्क रेड है, इट इज़ ए होमोजाइगस, ये वाली कंडीशन होगी, इसके दोनों के दोनों डोमिनेट होंगे। ये वाइट आई है, ये कंडीशन है, ये कैरियर है जिसके लिए हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कैरियर थी। बाद में पता चला कि फिनोटिपिकली भी हम इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जिसका फिनोटिपिकली अंदाज़ा लगा लिया जाए उसके लिए टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइल्ड टाइप रेड आई, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, 3 पेयर ऑटोसोमल हैं जो बिल्कुल मेल और फीमेल में एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, इसको ऑटोसोमल कहते हैं। फीमेल के अंदर एक्स एक्स है और मेल के अंदर एक्स वाई है। यहाँ देखें हुक शेप है, एक्रोसेंट्रिक, ये रॉड शेप होते हैं, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक वो होते हैं जो रॉड शेप होते हैं जिनका सेंट्रोमियर एक एंड पर होता है, वो टीलोसेंट्रिक होते हैं। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला की फिनोटिपिकली भी डिफरेंस किया जा सकता है, मेल और फीमेल की फिनोटिपिकली, जिसकी डोमिनल पोर्शन देखें राउंडेड है, इसकी वी शेप है, इसके ऊपर जो बैंड है लाइट एंड डार्क बैंड उसकी देखें शेप डिफरेंट है, इसके डार्क बैंड की डिफरेंट है। सेक्स कॉम होते हैं फोर लिम के ऊपर मेल में, जबकि फीमेल के ये नहीं होते। इसी तरह विंग की जो साइज़ है उसमें भी डिफरेंट होता है, एब्डोमिनल साइज़ में फ़र्क होता है। तो फिनोटिपिकली देखने से भी मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में डायमॉर्फिक होती है, डायमॉर्फिक वो होते हैं जिसको डिफरेंशिएट किया जा सके। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की फार्मूला 2N-2 होते हैं, यानी टोटल अगर जितने भी हों इंसान में 46 हैं, 2 माइनस कर दें तो 46
लास्ट फोर जो होंगे ये ऑटोसोम होंगे, जबकि सेक्स क्रोमोसोम की आमतौर पर तादाद दो होती है, कुछ कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं। हाँ जी, जब भी हम इसको क्रॉस बनाएंगे तो पेपरों में इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबे चौड़े क्रॉस, जस्ट आप ये चेकर बोर्ड याद कर लें, इससे आसानी हो जाएगी कि रेड आई फीमेल को रेड आई मेल से क्रॉस करेंगे तो मेल और फीमेल सारे के सारे रेड आएंगे 100% रिजल्ट। इसी तरह रेड आई फीमेल को मेल वाइट आई से कराएं तो F1 के अंदर मेल और फीमेल दोनों सब के सब रेड आई होंगे, जबकि अगर इस कैरियर को रेड आई फीमेल के साथ क्रॉस कराएंगे तो इससे वाइट भी मेल होंगे और फीमेल दोनों की दोनों फीमेल रेड आई होंगी, जबकि मेल 50% कैरियर फीमेल को रेड आई मेल के साथ क्रॉस कराएंगे तो 50% मेल वाइट आई एंड 50% रेड, जबकि फीमेल ऑल रेड आई। इसी कैरियर को जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ 50% फीमेल रेड आई और 50% मेल रेड आई, तो 50-50% रिजल्ट। तो ये चेकर बोर्ड जो है आपको क्रॉस याद करने में आसानी पैदा कर सकता है। वाइट आई को रेड आई मेल से जब कराएंगे तो फीमेल सारी की सारी रेड आई होंगी, मेल सारे के सारे वाइट आए होंगे, जबकि दोनों अगर वाइट हों तो 100% रिजल्ट वाइट आई होगा। पेरेंटल क्रॉस स्टार्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स, और अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस कर जाए तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। किसी भी रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे चाहे होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो तो वो टेस्ट क्रॉस, और अगर F1 को P1 के साथ क्रॉस कराया जाए तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस, जो पेरेंट्स हैं उसका जो अपोजिट क्रॉस होता है वो रेसिप्रोकल क्रॉस कराता है। हमने पेरेंट्स का शुरू किया था मेल रेड आई फीमेल वाइट आई, अगर इसको अपोजिट कर दें मेल वाइट आई मेल, अगर हम कर दें फीमेल रेड आई है और मेल वाइट आई है, अगर इसका अपोजिट कर दें फीमेल वाइट आई और मेल रेड आई तो वो उसका रेसिप्रोकल क्रॉस कराएगा। वंस अगेन द फीमेल इज ए रेड आई मेल इज ए वाइट आई, इसका अपोजिट क्या बनेगा फीमेल वाइट और मेल रेड, तो P1 का जो अपोजिट होता है वो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। रेसिप्रोकल आल्सो कॉल्ड कन्फर्मेटरी क्रॉस। सेल्फ क्रॉस F1 विद F1 या F2 विद F2 ये की है, इसकी वही जो हमने डिस्कस की है। तो जस्ट इन पॉइंट्स को याद करके ये पूरा चेकर बोर्ड आसानी से याद हो सकता है और इसकी परसेंटेज भी आसानी से दोबारा निकाली जा सकती है। उसी को दोबारा देखें, फीमेल रेड आई थी, इसको क्रॉस कराया मेल वाइट आई के साथ, ये पेरेंटल क्रॉस था P1, इसके गैमेट्स बने माइटोसिस के जरिए, अब इन गैमेट्स से F1 जनरेशन बनी। उस F1 जनरेशन में देखें कौन कौन से ऑफस्प्रिंग बने, जो फीमेल थी वो हेटरोजाइगस थी कैरियर थी और जो मेल थे वो रेड आई थे, मेल रेड आई थे और फीमेल हेटरोजाइगस कैरियर फीमेल थी। अब इनका आपस में जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 विद F1 के साथ तो इसकी दोबारा गैमेट्स आपस में जो फ्यूज होंगे तो इसमें से फीमेल रेड आई मेल रेड आई और हेटरोजाइगस, और जबकि एक मेल जो होगा वाइट आई भी बनेगा। तो ये करेक्टर देखें, पेरेंट्स से ये जीन जो था W स्मॉल जिसके दायरा सर्कल लगाया हुआ है, इस दायरे में देखें ये जीन कहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये मेल से शिफ्ट हुआ है, अब यहाँ कैरियर डॉटर में आया है और फिर इसके मेटरनल ग्रैंड सन में पहुँचे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जिग जैग, यानी ये वो करैक्टर होते हैं जो F2 में जिग जैग तरीके से पहुँचते हैं, तो हम इसको कहते हैं जिग जैग करैक्टर। वी ट्रांसफर फ्रॉम मेटरनल ग्रैंड फादर टू मेटरनल ग्रैंड सन। अब इसी हेटरोजाइगस कैरियर को जब हम क्रॉस कराते हैं वाइट आइज के साथ तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब इसकी जनरेशन के बाद जब देखें दोबारा गेमिट्स बने तो इसके गेमिट्स मियोसिस के बाद जब मिलेंगे तो इससे हेटरोजाइगस और मेल रेड आई, यानी वो हमने जो पिछले पेज पे पढ़ा है उसी की डिटेल है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। रेसिप्रोकल क्रॉस जो पेरेंट्स का अपोजिट होता है, अब फीमेल वाइट आई है मेल रेड आई है तो इसके गेमिट्स बनेंगे, इसके गेमिट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो ये रिजल्ट। अब ये इन सब की समरी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें याद कर लें तो आसानी से पूरा ये टेबल दोनों याद हो सकते हैं। P1 पेरेंट्स के लिए, F फादर M मदर R फॉर द रेड और वाइट, ये पहला क्रॉस, ये देखें मदर ये देखें, अगर फादर रेड आई हो मदर वाइट आई हो तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, दो फीमेल रेड आई भी होंगी और कैरियर भी होंगी। पेरेंटल क्रॉस फीमेल रेड आई, ये रेड आई है मेल ये वाइट आई है, आगे इसका जो रिजल्ट आया से इसमें टू फीमेल ये फीमेल देखें, दोनों की दोनों फीमेल कैरियर हैं हेटरोजाइगस हैं रेड आई लेकिन कैरियर हैं,
टू मेल हैं वो रेड आई हैं, ज़ाहिर है टू मेल टू फीमेल, तो ये दोनों के दोनों रेड आई हैं, तो टू इंटू टू वन इंटू वन, दोनों मेल 100% हैं और दोनों फीमेल भी रेड हैं, कैरियर हैं, तो टू इंटू टू भी कह सकते हैं, वन इंटू वन भी कह सकते हैं, 100 हैं सारे रेड आई, लेकिन कैरियर को हम फिनोटिपिकली ज़ाहिर नहीं करते। सेल्फ क्रॉस, इसी सेल्फ क्रॉस की ये समरी है, इस सेल्फ क्रॉस को जब आपस में हम करते हैं कि फीमेल भी रेड आई और कैरियर है, ये फीमेल और मेल तो है ये रेड आई है, इसके क्रॉस से जो बनेगा तो फीमेल रेड आई और कैरियर है, एक एक कम्प्लीटली रेड आई है, मेल में एक रेड आई है और एक वाइट आई है, तो 50% रिजल्ट। इसी तरह टेस्ट क्रॉस, तो इनकी इस तरह समरी बना के रख लिया करें। आम तौर पे ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्रॉस नहीं बनाए जाते, और इसी से हम आइडिया ले सकते हैं आगे चल के वन जीन वन एंजाइम का, वन जीन पॉलीपेप्टाइड का, सेक्स डिटर्मिनेशन का, क्रोमोसोमल थ्योरी की यही एक्सप्लेनेशन है, इसी क्रॉस ने साबित किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को, ये टी एच मॉर्गन ने, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी, सटन थ्योरी, टी एच मॉर्गन वर्क और एक्सलिंग रिसेसिव ट्रेज विच ट्रांसफर फ्रॉम मेटरनल ग्रैंड फादर टू मेटरनल ग्रैंडसन। अब इस सारे चेकर बोर्ड को दो अल्फाज से चेंज कर देंगे तो आगे चल के हीमोफीलिया बन जाएगा। सिमिलर जो फीमेल रेड आई हो और मेल वाइट आई था, तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास हासिल हुआ है वो ये हासिल हुआ था, ये टू इंटू वन। अगर हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस लेते हैं तो इसका अपोजिट होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस आप देखते हैं, रेड आई मेल है, अब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस 50% रेड आई, यानी फीमेल 100% रेड और मेल 100% वाइट आई, ओवरऑल 50% है, उसमें ओवरऑल 100% है। तो ये देख लेना है कि किस जाविए से पूछता है और किस जाविए से क्वेश्चन आता है, तो हर आंसर जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है। अब सारा कुछ हुई है जो मैंने पीछे डिस्कस किए, एच कैपिटल एच स्मॉल, हीमोफीलिया और नॉर्मल, बिल्कुल 100% यही है जैसे हमने पीछे ड्रोसोफिला का जिक्र किया। अब ये हीमोफीलिया है कि हीमोफीलियन मेल है और नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस करें तो सारे का सारा वही कॉपी कर लें, तो W पॉजिटिव को H कैपिटल में चेंज कर दें और W स्मॉल को H स्मॉल में चेंज कर दें, तो ये सारा रिजल्ट हीमोफीलिया का बन जाता है, सेम लाइक टू दिस वन। इफेक्टेड कैरियर के लिए ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है, बार दफ़ा डायग्रामेटिकली ये सिंबल कैरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी इस्तेमाल बार दफ़ा डायग्राम में पूछ लिया जाता है। इफेक्टेड मेल के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ ये बॉक्स डायग्रामेटिकली। जीन रिकम्बिनेशन थ्योरी, रिकम्बिनेशन में ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर जिसमें होती है, रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर को इंडिकेट करती है, जितनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी इतने नॉन पेरेंटल ज़्यादा होंगे, जितने नॉन पेरेंटल ज़्यादा उतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, जितनी रिकम्बिनेशन ज़्यादा उतना जेनेटिक मैप ज़्यादा, उतना जीन डिस्टेंस ज़्यादा, उतने ही उसके अंदर यानी वेरिएबिलिटी ज़्यादा हासिल होगी। तो इसी से हम जीन मैप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, दो क्रोमोसोम के जीन ए बी के दरमियान जेनेटिक मैप 20 है और बी सी के दरमियान अगर 15 है तो टोटल ए सी कितना होगा 35। इसी तरह ए बी जीन है इसका जेनेटिक मैप अगर लेट वी सपोज 15 है, और एक और जीन है ए सी, उसका अगर हमने मालूम करना है तो ए सी अगर दिया होगा तो हम बी सी मालूम कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर लेंगे तो वो 40% आ जाएगा। तो ये क्रोमोसोम थे ए बी, ये होमोज लोगस पेयर, ये रेप्लिकेट होते हैं, ये रेप्लिकेटेड फॉर्म, ये उसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म है, रेप्लिकेशन होती है हर मियोसिस, बल्कि माइटोसिस से भी पहले रेप्लिकेशन। आप इसमें क्रॉसिंग ओवर ही दैट इज ए क्याज्मा, साइनेप्सिस पेयरिंग को कहते हैं क्याज्मा। अब एक ये जो स्टैंड है ये पेरेंटल है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, द स्टैंड विदाउट क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज इंडिकेट पेरेंटल, और यहाँ देखें इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये नॉन पेरेंटल बनेगा, ये भी नॉन पेरेंटल बनेगा, एक पेरेंटल जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती उसको बाई, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है उसको बाई वेलेंट कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती वो यूनिवेलेंट कहलाता है। द क्रोमेटिड विच शो क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड बाई वेलेंट एंड विदाउट क्रॉसिंग ओवर यूनिवेलेंट, सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर नॉन पेरेंटल को जाहिर करते हैं,
इसी को रिकम्बिनेशन भी, रिकम्बिनेट भी कहते हैं, नॉन पेरेंटल भी कहते हैं। जबकि पेरेंटल वो होते हैं जो जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यूनिवेलेंट स्ट्रैंड। ये रिसेसिव पेयर है, टेस्ट क्रॉस अगर हमने करना है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो ना हो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं, दे आर ऑलवेज पेरेंटल होमोजाइगोजिटी की वजह से, इसके तो दोनों जीन एक जैसे हैं। अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो एक साइड पे चार हैं और एक साइड पे एक है, इसकी ये कम्बिनेशन बनेगी, पेरेंटल हैं और नॉन पेरेंटल भी बनेंगे। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है सम ऑफ ऑल द नॉन पेरेंटल डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100। अब इसमें लेट वी सपोज हमने अंदाज़ा लगा लिया पेरेंटल 80 थे और नॉन पेरेंटल 20 हैं, तो उससे जेनेटिक में 20 आ जाएगा। मल्टीपल एलील जो पहला था वो ब्लड ग्रुप था, टोटल फिनोटिपिकली 4 होते हैं, ए बी ए बी ओ। एक ही दो वैरायटी होती है जीनोटाइप के वाले से, होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रो बी की भी दो होंगी, होमोजाइगस भी हेट्रोजाइगस, ए बी की एक ही होती है और ओ की भी एक होती है, तो इस हवाले से हम कह सकते हैं फिनोटाइप 4 हैं। जबकि अगर ए पॉजिटिव है तो उसकी दो वैरायटी होंगी, नेगेटिव है तो उसकी एक होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव की फिर देखें ये दो वैरायटी हो सकती हैं। तो इसको साथ साथ अगर हम जहन में बिठाते जाएँ तो फिर ईजी हो जाता है कि पॉजिटिव की दो वैरायटी हैं, नेगेटिव की एक है, इसी चीज़ को ये फिनोटिपिकली 4 हैं और जीनोटिपिकली इस हवाले से डिफरेंट आंसर हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका आंसर और होगा, इस हवाले से इसका आंसर 12 बनेगा और इस हवाले से इसका आंसर 6 बनेगा, जीनोटिपिकली ए बी ओ कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस 6, पॉजिटिव नेगेटिव 12, फिनोटाइप 4, तो फिनोटिपिकली 4 इसकी बनेगी। पॉजिटिव की दो वैरायटी हो सकती है, नेगेटिव की एक। जब कम्बिनेशन हो गए तो हमेशा इससे पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, अगर दोनों स्मॉल डी मिलेंगे तो उससे नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। जस्ट सिंपल सी बात है, इसी से हम बड़े बड़े टेबल याद कर सकते हैं, फादर और मदर के अगर पॉजिटिव हों तो यहाँ से ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे। तो जस्ट एक छोटी सी की याद कर लें, डी कैपिटल पॉजिटिव, डी कैपिटल डी स्मॉल पॉजिटिव, डी टू स्मॉल डी स्मॉल नेगेटिव। लेकिन बाद दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव भी जाहिर करते हैं अगर दोनों स्मॉल एच हों, जिसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं, एपिस्टेसिस में नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो यहाँ देखें पॉजिटिव भी होंगे रिजल्ट, नेगेटिव भी होंगे, उसी की को याद कर लें, सिंपल सी तीन लाइनें याद कर लें और बड़े टेबल याद हो सकते हैं जहाँ कौन कौन सी कम्बिनेशन आपस में हो सकती है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ए की वैरायटी थी, बी की वैरायटी है, ए बी ओ, अगर एच दोनों ये होंगे तो हमेशा ए ब्लड ग्रुप जाहिर होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो होगा ए, नज़र ओ आएगा। सिमिलर बी में देखें, अगर ये कम्बिनेशन होगी तो बी होगा, ये कम्बिनेशन भी होगा तो बी होगा, और अगर ये कम्बिनेशन होगा तो ओ नज़र आएगा। हकीकत में ब्लड ग्रुप बी है, नज़र ओ आ रहा है। ए बी में ये कम्बिनेशन होगा तो ए बी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये कम्बिनेशन हो तो हकीकत में होगा ए बी, नज़र ओ आएगा। दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेसिस, बॉम्बे फिनोटाइप। ओ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों तीनों कंडीशन में वही नज़र आएगा। ये क्रोमोसोम नंबर 9 और 19, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेसिस। अगर एक क्रोमोसोम के जीन लोकस दूसरे को इफेक्ट करते हैं तो हम इसको एपिस्टेसिस कहते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। कि डीएन रेड ब्लड सेल के ऊपर एक कोटेड प्रोटीन होती है जो एच जीन की वजह से होती है, अगर इसके साथ अटैचमेंट एंटीजन की होगी तो नज़र आएगा टेस्ट, अदरवाइज ओ नज़र आएगा। ए की फिनोटाइप, बी की फिनोटाइप सेम। अब इससे पिछले दोनों पेजेस को सामने रख के अगर इन कंबाइन लाइनों को कंबाइन किया जाए तो बहुत बड़े बड़े टेबल आसानी से बन सकते हैं इन्हीं की कम्बिनेशन को, हर लाइन कौन सी एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है। तो ये पूरा टेबल उन तीन पिछले पेजेस को याद करके हम आसानी से याद कर सकते हैं, और इस एक टेबल में मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, कि अगर फादर का और मदर का ये ब्लड ग्रुप हो तो उसके ऑफस्प्रिंग के कौन से ब्लड ग्रुप होंगे और कौन से किसको लग सकता है। तो यस इंडिकेट करता है कि उसको ब्लड डोनेट हो सकता है, तो ओ इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, तो एक पूरी लाइन तो इसमें आसानी से फिल हो जाती है, ओ नेगेटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, तो सब के साथ यस लिख दें। ए बी पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो एक लाइन ये और फिल होगी, तो ये पूरी लाइन फिल हो सकती है, ए बी पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज़ ए यूनिवर्सल डोनर। अब जो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो नेगेटिव को नहीं लग सकता, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को लगेगा,
पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं लगेगा, पॉजिटिव को लग सकता है, नेगेटिव को नहीं लगेगा, पॉजिटिव को लग सकता है, नेगेटिव को नहीं लगेगा, पॉजिटिव को लग सकता है। सिमिलर ए नेगेटिव ओ नेगेटिव को नहीं लग सकता, ओ पॉजिटिव को भी नहीं लग सकता, ए नेगेटिव को लग सकता है, या ए भी नेगेटिव को लग सकता है, ए भी पॉजिटिव को भी लग सकता है। सिमिलर ये पूरा यस जो इंडिकेट कर रहे हैं ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जाहिर करता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है कि इनके ऑफस्प्रिंग किस किस पॉसिबिलिटी के हो सकते हैं, और अगर दोनों स्मॉल एच होंगे, इधर से भी स्मॉल एच, ये जो जीनोटाइप है, ये जो जीनोटाइप सेम इधर भी मौजूद है, ये ओ नेगेटिव की भी ये जीनोटाइप है, ओ पॉजिटिव की भी ये जीनोटाइप है, ए नेगेटिव की भी ये पॉसिबल जीनोटाइप है, तो इनको कंबाइन करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का कौन सा पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ये एक टेबल एक वक्त में दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, और फादर और मदर का ये ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों का कौन सा पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ये एक वक्त में इंडिकेट करता है दोनों चीज़ों को। दैट इंडिकेट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, के फीटस का जो ब्लड है वो मदर के प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेट होता है, ये मदर का ब्लड है, ये डक्टस विनोसिस के जरिए लिवर में जाता है और लिवर से फिर हार्ट में जा रहा है। अब यहाँ देखें राइट आरिकल में ओपन होता है, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता, राइट आरिकल से लेफ्ट आरिकल में जा रहा है यहाँ फोरामेन के जरिए, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए कि फादर पॉजिटिव हो मदर नेगेटिव हो तो ऑफस्प्रिंग पॉजिटिव हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से, तब ये प्रॉब्लम होगा। अब ये पॉजिटिव ब्लड मदर का नेगेटिव है, फीटस का पॉजिटिव है, अब इस पे एंटीजन भी मौजूद होगी। अब ये एंटीजन वाला ब्लड जब आएगा, पॉजिटिव वाला ब्लड एंटीजन जब मदर में लाएगा तो ये एंटीजन वापस भी जा सकती हैं, लेकिन साथ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी मदर से, ये एंटीबॉडी जब जिस्म में बच्चे में दाखिल होंगी तो उसके लिए नुकसानदेह होगा, उसको अनीमिया, उसको जॉन्डिस पैदा कर सकता है, यरकान हो सकता है, या बाद उसकी डेथ भी हो सकती है, ये एंटीबॉडी बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब ये एंटीबॉडी दोबारा मदर में भी जा सकती हैं, अब ये एंटीबॉडी जब मदर में होगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए रो इम्यून ग्लोबुलिन का एक इंजेक्शन लगाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इन एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो तब जो होगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होगी। तो ये उस सूरत में होता है कि जब फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और मदर का नेगेटिव होता है, उस सूरत में एक चांस होता है। तो फादर होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटरोजाइगस भी हो सकता है, जबकि मदर तो ऑलवेज होमोजाइगस होगी, तो दोनों कंडीशन होंगी, चाहे फादर होमोजाइगस हो हेटरोजाइगस हो, तो इसके चांसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में सिंपल एक फार्मूला याद कर लें कि जहां डिफरेंस ऑफ क्रोमोसोम होगा दैट इज द सेक्स डिटर्मिन फैक्टर। यहां देखिए मेल में एक्स और वाई है, दैट इज ए सेक्स डिटर्मिन फैक्टर। यहाँ देखें हैन इज डिफरेंट, हेट्रोजाइगोटिक है, यहाँ जेड और डब्ल्यू है तो वो डिफरेंट है। इस सूरत में ड्रोसोफिला में देखें मेल के अंदर एक्स वाई है, जबकि एक्स नॉट भी होता है, तो ये सेक्स डिटरमिनेंट फैक्टर होता है। ड्रोसोफिला के अंदर ऑटोसोम और एक्स नॉट उसका मेल होता है, जबकि एक्स वाई उसका मेल, ये भी मेल होता है। यहाँ उसके ऑटोसोम की तादाद अगर ज़्यादा हो तो हम उसको मेटा मेल कहते हैं या सुपर मेल कहते हैं, जबकि इसके अपोजिट अगर एक्स की तादाद इंक्रीज होती है तो फीमेल करेक्टर, इसको ऑटोसोमल एक्स रेशियो कहते हैं कि ऑटोसोम को एक्स क्रोमोसोम से डिवाइड करें तो रेशियो क्या आती है, अगर एक्स की तादाद बढ़ जाती है तो ऑटोसोम को एक्स से डिवाइड करते जाएंगे तो इसकी रेशियो कम होती जाएगी, तो फीमेल करेक्टर देखें बढ़ता जा रहा है, एक्स की तादाद बढ़ने से फीमेल करेक्टर बढ़ता है, और अगर एक्स की तादाद कम हो जाती है तो मेल करेक्टर बढ़ता है। दैट इज एक्स ऑटोसोमल ए एक्स रेशियो सिस्टम, जैनिक सिस्टम इसको कहते हैं, एक्स से जैनिक रेशियो सिस्टम, कि हम एक्स की तादाद को बढ़ाने से वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता ड्रोसोफिला, जबकि ह्यूमन के अंदर वाई डिपेंडेंट होता है। अब ह्यूमन में देखें एक्स डबल एक्स वाई मेल होगा, जबकि यहाँ देखें फीमेल है, इट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी इन केस ऑफ एक्स नॉट, इन केस ऑफ ह्यूमन इज ए फीमेल, जबकि एक्स नॉट इसकी ह्यूमन के अंदर फीमेल है और जबकि ड्रोसोफिला के अंदर मेल होता है। कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम एस्कैरिज में देखेंगे, एस्कैरिज की डायमॉर्फिक होती है, मेल और फीमेल की शेप डिफरेंट होती है, फिनोटिपिकली भी पता चलता है, बाईवेलेंट जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है और यूनिवेलेंट जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जिन क्रोमोसोम में। इसके मेल के अंदर 35 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में 42 होते हैं, ऑटोसोम की तादाद 13 होती है जिसमें डबल ए और एक्स, एक्स की तादाद 8 है और वाई 1 होता है, जबकि फीमेल 42 है,
13 पेयर ऑटोसोम है और एक्स की तादाद 16 होती है। मेल के दो किस्म के गैमीट्स बनते हैं, 13A ऑटोसोम और X8X, 13A ऑटोसोम और Y। तो मेल दो किस्म के गैमीट्स रखता है, हेट्रोगैमेटिक है, इसलिए मेल इज द सेक्स डिटरमिन फैक्टर। जबकि ड्रोसोफिला में हमने पीछे डिस्कस कर ली है ये बातें, ये ज़रा उससे डिफरेंट होती हैं। तो मेटाफीमेल, ये ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाई में देखा गया फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑसोम एक्सीड जिसमें बढ़ जाती है, जबकि मेल में ये रेशियो कम हो जाती है 0.0। तो ऑटोसोम को अगर हम उसके एक्स से डिवाइड करेंगे तो उसकी रेशियो 0.5 कम होगी। व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन एक्शन, जीन एक्शन इन न्यूरोपोरा, और यही जीन एक्शन इन न्यूरोस्पोरा से हम जीन एक्शन इन मैन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट इसी से एक्सप्लेन हो सकता है। और प्रॉपर पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड असेंशियल होती है, इसकी एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है जो हम न्यूरोस्पोरा से अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसको एक ही पेज पे हम आंसर की सूरत में देख सकते हैं। व्हाट इज जीन, हमारा जीन एक्शन है, और जीन एक्शन न्यूरोस्पोरा में आसानी से एक्सप्लेन होता है। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जो आसानी से कल्टीवेट हो सकती है, इजी अवेलेबल है, इसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल जैसा मेटाबॉलिक पाथवे है, स्पेस कम लेती है, इजी कल्चर हो सकती है, इजी म्यूटेट हो सकती है, इसके स्पोर लाइन में होते हैं, आसानी से गिने जा सकते हैं, आसानी से एक्सरे, आसानी से रेडिएशन इसको आसानी से दी जा सकती हैं, और इसी को अंदाजतन हम फिर मैन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे इस डस्ट एक डायग्राम के जरिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, कोई रिएक्शन है ए वो बी में कन्वर्ट होता है, बी सी में कन्वर्ट होता है, डी में कन्वर्ट होता है, डी आगे प्रोडक्ट बनाता है। हर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम होते हैं जो हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं, वन जीन वन एंजाइम। अब ये क्रोमोसोम है जो इन जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट के मुताबिक। ये पहला जीन, दूसरा कुछ जीन दो से ज़्यादा एंजाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं। अब बेसिकली ए प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हुआ, इसको हम प्रीकर्सर कहते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा मिकदार बन जाए तो ई वन को आके रोक लेते हैं, इसको हम नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो जीन वन एंजाइम कंसेप्ट ये क्रोमोसोम के जरिए होते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जस्ट एक एग्जाम्पल के जरिए, जिस तरह पानी की मोटर की टैंकी के ऊपर हम एक ऑटोमेटिक स्विच लगा देते हैं जिसमें पानी जब कम होता है, ये जब चलाते हैं इस टैप को, तो ये इसमें जो ही पानी कम होता है तो ये खुद ब खुद चलने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए लगाया जाता है, और जो ही ये पानी कम होता है ये ऑन हो जाती है, और अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाए टैप बंद होने से तो ये खुद ब खुद बंद हो जाती है। सिमिलर फर्ज के हमने यहाँ किसी जगह इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए मुख्तलिफ बोर्ड लगाए हैं, ए लगाया, ए से बी में कनेक्शन दिया है, बी से सी में किए, और सी से फिर आगे हमने फ़र्ज़ किया कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, बल्ब लगा दिए, तो अगर ये ए फॉल्टी होगा, काम नहीं चलेगा, तो हमें एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगी जिससे ये करंट ऑन हो जाएगा, और अगर बी फॉल्टी होगा तो हमें यहाँ एक्सटेंशन लगाने पड़ेगी, और खुदा ना खासा सी भी फॉल्टी होगा तो हमें डायरेक्ट करंट देना पड़ेगा। ये तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप को पास करते जाएंगे और उससे चेक करते जाते हैं। सेम प्रोसेस न्यूरोस्पोरा पे अप्लाई हुआ, ये न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, एस्कोमाइसीट से बिलोंग करती है, डाइक्रियोटिक फंगस होती है, ये इसके अंदर स्पोर होते हैं जिनकी तादाद हमेशा 8 होती है, और ये स्पोर के ऊपर हमने रेडिएशन डाली है एक्सरे के ज़रिए, ये रेडिएशन से इसके अंदर म्यूटेशन पैदा होगी, इन स्पोर के अंदर हो भी सकती है और म्यूटेशन नहीं भी हो सकती। तो हम जब इस न्यूरोस्पोरा के एस्कोस्पोरेंजियम के अंदर इन स्पोर को कल्चर करेंगे तो यहाँ हमें तीन किस्म के रिजल्ट हासिल होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, वो नॉर्मल होंगे, उसकी निशानी क्या होगी कि वो एक मिनिमल मीडियम में ग्रो कर जाएंगे। मिनिमल मीडियम क्या होता है, मिनिमल मीडियम में जस्ट विटामिन शुगर साल्ट और वाटर होता है जिसके अंदर आसानी से ग्रो कर जाएगा। दूसरी लीथल होते हैं जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा रेडिएशन पड़ी है कि वो डेड हो गए हैं, डेड स्पोर मिनिमल मीडियम में ग्रोवर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ म्यूटेंट होंगे जो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने इनको ग्रो करना है तो हमें साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। अब हमने ये देखना है कि वो सप्लीमेंट क्या चीज़ है, उस सप्लीमेंट के लिए हमने इसी के स्पोर कल्चर किए और उसको डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ बॉटल्स में डाल दिया। कभी हम कार्बोहाइड्रेट देते थे, उसका रिजल्ट देखते हैं, ग्रो करेगा तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट नहीं है। फिर हमने उनको न्यूक्लिक एसिड देना शुरू कर दिया, एडिनिन गुआनिन डीएनए नहीं ग्रो कर रहे, इसका मतलब ये सप्लीमेंट नहीं है। अब हमने उनको मुख्तलिफ किस्म के लिपिड देना शुरू कर दिए, लिपिड से भी ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब वो सप्लीमेंट नहीं है। तो जब लिपिड से भी नहीं करेंगे तो फिर आखिर पे हमने अमाइनो एसिड दी तो एक आर्जिनिन पे ये ग्रो कर गया,
इसका मतलब आर्जिनिन में क्या बात है, बाकी ये जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है, ल्यूसीन है, वैलीन है, उसमें क्यों निकाल रहा, और क्या बात है आर्जिनिन में ये ग्रो कर जाता है, इसका मतलब इसमें मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ऑर्निथिन से सिट्रोलिन बनती है, सिट्रोलिन से आर्जिनिन और सक्सिनेट से आर्जिनिन बनता है, इसलिए ये ग्रो कर जाता है। सेम लाइक टू द ह्यूमन सिकल सेल एनीमिया, जिसमें दो किस्म की चेन होती है, एक नॉर्मल चेन है और इसकी पोजीशन नंबर जो 6 होती है, इसके अंदर एक चेन आ जाती है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह जो बीटा नॉर्मल चेन है इसके अंदर एफ चेन म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया होंगे, जिसकी अलामत ये होती हैं कि उसके देखें हाथ का कलर भी चेंज होता है, पफीनेस हो जाती है, हाथ के अंदर स्वेलिंग होती है और साथ साथ रेड ब्लड की शेप भी चेंज हो जाती है, और पोजीशन नंबर 6 प्लस स्वेलिंग ऑफ जॉइंट भी होती है, उसमें पेन भी होती है, रेडिश ऑफ स्किन भी होती है, ये उसकी अलामत है। तो छठी पोजीशन पर देखें, एक तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ गई है, इसमें म्यूटेशन हो गई है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गई है और ए इंटू टी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब जीन की जो ये रेप्लिकेशन होती है, जिसको सिंपल देखें, ये स्टीएन ने बहुत प्यारे तरीके से मॉडल के जरिए एक्सप्लेन किया है, जिसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। ये दोनों स्टैंड देखें एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अनजिप, हमेशा डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, 3 और 5। अब यहाँ से देखें नया स्टैंड बनना शुरू होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है ये न्यूक्लियोटाइड अपनी एनर्जी खुद लाता है, तो ये अपनी एनर्जी को इसमें यूटिलाइज करते चले जाते हैं, ये लीडिंग स्टैंड बनता है। अगर ये अपोजिट साइड पे शुरू हो तो ये रॉन्ग भी हो सकता है, जिसकी बाद में करेक्शन भी की जा सकती है। अब ये देखें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस साइड पे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉस्फोडाइस्टर लाइगेज के जरिए आपस में ये जुड़ जाते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम होता है, यूकेरियोट्स के अंदर कई बबल बनते हैं और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है, और सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ये हेलिकेज को रिएक्शन करती हैं और दोबारा कॉयल होने से रोकती हैं। रेप्लिकेशन फोर्क बाई डायरेक्शन होती है, इधर भी हो सकती है और दूसरी तरफ भी होती है। पहला स्टैंड लीडिंग स्टैंड होता है, उसके पीछे लैगिंग होते हैं, हम तो ये कहते हैं कि एक स्टैंड लीडिंग होता है एक लैगिंग होता है, हकीकत में नहीं आता। बाई डायरेक्शनल में हर फ्रंट पहला जो स्टैंड होता है वो लीडिंग होता है, लेकिन आम तौर पे हम ये कहते हैं कि एक लीडिंग होता है एक लैगिंग होता है। बाई डायरेक्शनल में इफ द फर्स्ट स्टैंड द फर्स्ट सेगमेंट इज द लीडिंग, ऑल द रिमेनिंग आर द लैगिंग स्टैंड। पहले सबसे पहले प्राइमेज आता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसके साथ रिएक्ट करता है और ये सेगमेंट की सूरत में बने तो चले हम उसको डिसकंटिन्यू स्टैंड कहते हैं। फिर लाइगेज इनको जोड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज जो पहला प्राइमर होता है आरएनए उसको कन्वर्ट कर देता है डीएनए में, ये उसको कन्वर्ट कर देता है। ये यूट्यूब पे आपको अच्छी मिल सकती है, नेट पे क्रोमोसोम अवेलेबल हैं। क्रोमोसोमल इरुजन इसमें ये होता है कि बाद ऑफ डीएनए का सेगमेंट कम हो चले जाते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, टीलोमर्स के आने से डीएनए के जो पार्ट्स हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाती है, तो हम कह सकते हैं एज के साथ साथ क्रोमोसोम का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, जिससे एजिंग का प्रोसेस भी होता है, तो वो टीलोमर्स होते हैं। जिससे रेप्लिकेशन के दौरान जो सेमी कंजर्वेटिव है उसको साबित ऐसे किया जा सकता है कि नाइट्रोजन 14 होती है, नॉर्मल डीएनए जब हम इसको सीजियम क्लोराइड इसको इसलिए लेते हैं कि इसकी डेंसिटी इक्वलेंट टू नाइट्रोजन 15 होती है 14, इसलिए हम सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड लेते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन 15 डाल दें तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, जिसको हम सीजियम ब्रोमाइड के जरिए क्लोराइड के जरिए आसानी से, अगर इसके हम 3 ग्रुप बना लें तो ये 3 ग्रुप इसको हम नॉर्मल फ्यूड देंगे 0 के बाद, तो उसमें कोई रेप्लिकेशन होगी 21 टर्न कहलाती है और 40 मिनट्स के बाद उसके 2 टर्न कहलाएंगे। तो ये एक आसानी से इस टेबल के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी तादाद बढ़ती चली जाती है। 0 राउंड में टोटल 2 ही स्टैंड थे, दोनों 15 वाले हैं, 14 तो बने ही नहीं, आगे मजीद उसमें इजाफा होगा, टोटल स्टैंड 4 बन जाएंगे, यानी 2+2 इजाफा करते जाएंगे इसमें हमने, टोटल 4 बन गए, 2 ओल्ड हैं 2 न्यू बने, 15 वाले 2 हैं 14। सिमिलर जो 40 में 2 जनरेशन है तो इसमें देखें स्ट्रैंड की तादाद बढ़ती चली जाएगी, 1 ओल्ड होता है 1 न्यू होगा। तो सेमी कंजर्वेटिव के तहत ये मैंने एक टेबल बना ली है, आप इससे किसी भी जनरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 राउंड के बाद कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई, 20 मिनट्स के बाद 1 दफ़ा हुई है, 40 मिनट के बाद 2 दफ़ा हुई है, 80 मिनट्स के बाद 3rd राउंड 3 दफ़ा हो चुकी है, 160 के बाद 4 टाइम हो चुकी है। और अगर हम ये डस्ट फार्मूला याद कर लें कि टोटल स्टैंड के साथ 2+n+1, n क्या होता है, n उसके होते हैं यानी कितनी दफ़ा उसको हमने n इज़ ए जनरेशन,
और प्लस वन, उससे हम उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड मालूम कर सकते हैं। तो टोटल स्ट्रैंड प्रीवियस को मल्टीप्लाई टू से भी मार सकते हैं, टोटल स्ट्रैंड को इस फार्मूले से, ये एक नया फार्मूला है, अगर हो सके तो इसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है कि 2n^n+1, तो n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन होता है। ओल्ड स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, जिसके सामने मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती उसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं, सेंस स्टैंड भी कहते हैं, जबकि टेम्पलेट को एंटी कोडिंग भी कहते हैं स्टैंड। अब ये जस्ट उसके अंदर हमने फिक्टिशियस अरेंजमेंट लिखी है, ज़रूरी नहीं फिक्स है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टेम्पलेट हों तो फिर उससे एंटी टेम्पलेट एंटी कोडिंग की अरेंजमेंट क्या होगी या नॉन टेम्पलेट की अरेंजमेंट क्या होगी, इससे बनेगा मैसेंजर आरएनए, टेम्पलेट के सामने बनेगा उसमें ये अरेंजमेंट होगी। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैसेंजर आरएनए की अरेंजमेंट सिर्फ टी की जगह यू लगा दें तो वो कोडिंग से रिजेंबल करेगी, मैसेंजर आरएनए की अरेंजमेंट डीएनए कोडिंग से रिजेंबल करती है मैसेंजर आरएनए की अरेंजमेंट, जबकि एंटीसेंस कोड ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होते हैं। गौर से देखें, ये मैसेंजर आरएनए है और इसकी अरेंजमेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड से रिजेंबल करती है, ट्रांसफर आरएनए की अरेंजमेंट टेम्पलेट से रिजेंबल करती है, जबकि मैसेंजर आरएनए की अरेंजमेंट कोडिंग से करती है। बाद अब हम मैसेंजर आरएनए देख के कोडिंग पूछ लेते हैं, कोडिंग से मैसेंजर, तो बाकी किसी को चेंज ना करें, सिर्फ टी और यू वाला फार्मूला याद कर लें। तो एक छोटी सी बात याद कर लें, मैसेंजर आरएनए की अरेंजमेंट कोडिंग से रिजेंबल करती है और ट्रांसफर आरएनए की टेम्पलेट से, सिर्फ आपने टी की बजाय यू को कन्वर्ट कर देना है। तो टी रिप्लेस बाय यू, आप चाहे कोडिंग से मैसेंजर आरएनए मालूम कर लें या टेम्पलेट से ट्रांसफर आरएनए मालूम कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो ये मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके अंदर 5 to 3 होती है, ये 3 to 5 बनेगा। तो टूवर्ड्स 5 अप स्ट्रैंड, ये है कोडिंग के लिए, कोडिंग स्टैंड अप स्ट्रैंड, तो ज़ाहिर है टेम्पलेट डाउन स्टैंड होगा। मैसेंजर आ रहे हैं कि भी टूवर्ड्स 5 एंड मैसेंजर आ रहे हैं, मैसेंजर आ रहे हैं अप स्ट्रीम कहलाएगा, ये भी उसकी प्रोमोटर, जस्ट वो एरिया होता है जीन का पहला हिस्सा प्रोमोटर कहलाता है, जहाँ से उसकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, जहाँ से ये टेटा बॉक्स जो है इसकी अरेंजमेंट अप स्ट्रीम में नेगेटिव लिखी जाती है। तो इसी वजह से अगर आप गौर से देखें तो प्रोक्रियाट्स और यूक्रियाट्स के अंदर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होती है, तो अप स्ट्रीम में इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सीक्वेंस -35, ये प्रोक्रियाट्स में GGA टेटा बॉक्स, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए बिगिन फ्रॉम पर्टिकुलर रीजन, उसी का हम कहते हैं प्रोमोटर, लेकिन प्रोमोटर की खुद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, प्रोमोटर की कन्वर्शन नहीं होती, जीन की होती है, जीन के दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को प्रोमोटर और आखिरी हिस्से को टर्मिनेटर कहते हैं। तो प्रोमोटर टूवर्ड्स 5 एंड ऑफ द सेंस स्ट्रैंड अप स्ट्रीम, टूवर्ड्स 5 एंड आरएनए अप स्ट्रीम, टूवर्ड 3 एंड डाउन उसकी थी, यानी 3 एंड उसकी कहलाएगी, ये टेम्पलेट की होगी। टीलोमर्स कहा था क्रोमोसोम के एंड के ऊपर, टीलोमर्स की ये पोजीशन होती है जेनेटिक कोड, और प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ से डीएनए ब्रेक होता है, आमतौर पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको ब्रेक करता है, तो या स्टिकी एंड बनते हैं या ब्लंट एंड बनते हैं, तो इस जगह जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट है उसको हम प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इनके एमसीक्यू के हवाले से इनकी पोजीशन याद किया करें, ये मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक पेज पे सम अप किया है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर है, ये उसी चीज़ को रिपीट किया गया जो हमने पीछे पढ़ा है, इससे मैसेंजर आरएनए बनता है। अब गौर से देखें, प्रोमोटर शामिल होगा, इससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, 15 न्यूक्लियोटाइड है, और मैसेंजर आरएनए में अगर 15 न्यूक्लियोटाइड है तो 5 जेनेटिक कोड है, क्योंकि एक जेनेटिक कोड में 3 होते हैं, 4 अमीनो एसिड इससे होंगे, क्योंकि स्टॉप कोड की भी नहीं होगी। तो वजह से अगर मैसेंजर आरएनए में 15 न्यूक्लियोटाइड है तो 5 जेनेटिक कोड्स होंगी, जबकि इसकी अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाएगी वो 4 होंगे, क्योंकि पांचवा जो होगा वो तो स्टॉप कोड है। तो दो बातें यहाँ क्लियर होंगी, एक तो प्रोमोटर के सामने मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, इस सीक्वेंस को आगे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा मैसेंजर आरएनए, और दूसरा होगा स्टॉप कोड, स्टॉप कोड के सामने प्रोटीन नहीं बनेगी,
स्टॉप कोड के सामने प्रोटीन नहीं बनेगी। वंस अगेन आई रिपीट, एक तो प्रोमोटर से, ये प्रोमोटर है, इसके सामने मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, सिर्फ इस जीन से बनेगा। अब ये सारे का सारा जीन आगे प्रोटीन नहीं बनाएगा, इसमें से आखिर वाली जो स्टॉप कोड होती है वो कन्वर्ट नहीं होती। तो हम ये फार्मूला बना सकते हैं कि जेनेटिक कोड एक ज़्यादा होगी अमाइनो एसिड प्लस वन। तो ये भी फार्मूला हमने खुद ही डिज़ाइन किया है, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टोटल न्यूक्लियोटाइड 15 हो तो जेनेटिक कोड तो 5 होंगी लेकिन अमाइनो एसिड 4 होंगी, टेट्रापेप्टाइड बनेगा। इसमें एक स्टॉप कोड है, स्टॉप कोड के सामने मैसेंजर आरएनए नहीं आता। अगर देखें एक डीएनए में उसमें 21 न्यूक्लियोटाइड हैं प्रोमोटर समेत, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें 15 होंगे। ट्रांसलेशन के अंदर अगर गौर से देखें, ये स्टार्ट कोड होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जस्ट न्यूक्लियोटाइड की जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं स्टॉप कोड तक। राइबोसोम की यूनिट होती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, दोनों को कलेक्टिवली हम एटी कहते हैं। सबसे पहले छोटी यूनिट आती है, इस छोटी यूनिट को अगर हम बड़ा करके देखें, इसकी तीन एक्टिव साइट होती हैं, एक ए साइट होती है, एक पी होती है और एक ई होती है। स्टार्ट कोड के AUG से पहले जो जेनेटिक कोड होती है इसको लीडर DNA या लीडर सीक्वेंस कहते हैं, इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। ट्रांसलेशन इज ऑलवेज 5 to 3, ट्रांसक्रिप्शन इज टूवर्ड्स 5 to 3। सबसे पहले ए एक मैसेज भेजेगा स्टार्ट कोड से, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए के पास जाएगा, उसको कहेगा अमाइनो एसिड लेकर आ जाओ, इसको कहते हैं चार्जिंग। अब ये चार्ज हो गया है, अब ये ट्रांसफर आरएनए पहला अमाइनो एसिड लेके आ रहा है। पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मैथ्यूनिन को होगा, AUG जो पहला ट्रांसफर आरएनए यहां पहुंचेगा। तो अब उसके बाद इनिशिएटिंग फैक्टर इसके साथ मिल जाएगा, इनिशिएटिंग फैक्टर जो इसको इनिशिएट करता है, जो इसको आगाज़ करता है। ये वही अरेंजमेंट है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये स्मॉलर यूनिट ए पी और ई, जो पहला ट्रांसफर आरएनए आएगा वो सबसे पहले पी पे आएगा। इतने तक दूसरे का पैगाम भी जा चुका है, दूसरा ए ने पैगाम भेज दिया कि ट्रांसफर, इतने तक पहला अभी पहुंचा है पी पे। पहला हमेशा पी पे पहुंचता है, पहला हमेशा पी पे पहुंचता है, पहला हमेशा पी पे पहुंचता है, पहला हमेशा पी पे पहुंचेगा। इसके बाद जितने आएंगे वो सारे के सारे ए पे आएंगे, इसके बाद जितने आएंगे अब इनिशिएटिंग फैक्टर ये कहलाएगा कम्प्लेक्स। अब ये जो इसके बाद जितने आएंगे वो ए पे आएंगे, ये दूसरा, यानी उसी चीज़ को दोबारा देखें। ये अब तीसरे तक भी पैगाम पहुंच चुका है, ये पहला पी पे पहुंच चुका है, दूसरा भी ए पे पहुंच चुका है, ये दूसरे वाला था। अब इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, अब लार्जर यूनिट आती है, कम्प्लेक्स के बाद लार्जर यूनिट आती है, कम्प्लेक्स के बाद लार्जर यूनिट आती है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पी का रोल है, ये डी कोडिंग होती है, कोडिंग और एंटी कोडिंग के दरमियान मैचिंग को डी कोडिंग कहते हैं। इसी तरह ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है, एक एक करके आगे चलते जा रहे हैं। अब जो ई है उसको एग्जिट कर देती है, ए बुलाती है, पी पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है और ई ने पहले वाले को रिमूव कर दिया है। अब पहला जा चुका है लेकिन अपना अमाइनो एसिड दे कर गया है, दूसरा पी पे आ चुका है, दूसरा पी पे आ जाएगा, तीसरा ए पे आ जाएगा। अब इलोंगेशन फैक्टर भी इसमें पेश हो गया है, जो ही दूसरा आता है इलोंगेशन फैक्टर काम शुरू कर देता है। इलोंगेशन फैक्टर इलोंगेट करना, इनिशिएटिंग फैक्टर इनिशिएट कॉम्प्लेक्स बनाना, तो ये इलोंगेशन कहलाता है। आखिर पे होता है टर्मिनेशन प्रोसेस, टर्मिनेशन होता है जब सबको रोक दिया जाता है, एक एक करके बुलाया था, बिठाया था, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया और बेचारों से अमाइनो एसिड ले लिया। ये सिलसिला जारी रहता है हत्ता कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, एंड पे आ जाता है, सबसे एंड पे आती है स्टॉप कोड, नॉनसेंस कोड। अब ए के ऊपर आ जाता है रिलीजिंग फैक्टर, अब रिलीजिंग फैक्टर जो है उसको आगे इलोंगेट नहीं होने देता और सबको कहते हैं अपने अपने घर जाओ। ये तीन स्टॉप कोड होती हैं, तीन नॉनसेंस भी हैं और टोटल कोड की तादाद 4^n, ये फार्मूला है, टोटल 4^3 इज इक्वल टू 64, तो इनकी तादाद बनेगी 64, इसमें से 61 जो हैं वो सेंस हैं और एक स्टॉप कोड है।
ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो इस जेनेटिक कोड के अंदर मौजूद होती हैं। इनके सिंपली फार्मूले याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर मिक्स हो जाते हैं, तो इसके जो मोलेकुलर फार्मूले हैं और यूरिक एसिड के साथ जस्ट हमने कंपैरिजन करके दिया है, इसका ताल्लुक यूरिक एसिड के साथ नहीं है, लेकिन ये बार दफ़ा आ जाते हैं। MCQ में ये होता है कि ख़ास ख्याल रखना होता है, फ़र्ज़ किया डैश इज़ द फादर ऑफ, ये सारे नाम मिक्स हो जाते हैं, डैश इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो फिर आंसर होगा, डैश इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स तो फिर आंसर मेंडल होगा। जैसे सेकंड MCQ में देखें तो इस जैसे पहले ही लाइनें इकट्ठी कर ली जाएँ ताकि बाद में मिक्स ना हो। अब जानबूझ के मैंने सेकेंड को छोड़ा है क्योंकि डैश इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये मिचल था और मेंडल जो था ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है। फिजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, तो मकसद ये है कि इस MCQ से जो मिलते जुलते हैं उनको एक जगह पे सम अप करके रख लिया जाए ताकि इनको याद करने में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। अभी हमने डीकोडिंग AUG ये मैसेंजर आ रहे पे है एंड इस डीकोडिंग एंटीकोड ये ट्रांसफर आ रहे हैं, तो एक अपोजिट यू है, यू का अपोजिट ए है, तो ये उसी तरह जो हमने अभी जेनेटिक कोड, अब ये जेनेटिक कोड मैसेंजर RNA विल बी, तो अब गौर से देखें कोडिंग ये है, सिर्फ टी को यू कर दें, कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर RNA विल बी, अब ये उन्हीं चीज़ों की रिवीजन हो रही है जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। फ्रेडरिक मिचर फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड था, तो जस्ट अगर इसके स्ट्रक्चर भी जेन में हो तो ऑब्जेक्टिव याद करने में आसानी होती है। सेम लाइक दिस वन, ये ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये अब उन्हीं की रिवीजन हो रही है, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते जाएंगे तो आपको सारे आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन पहले की वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पहले इसको वर्बली याद करें फिर एक एक स्टेप करके इसको रिवाइज करेंगे तो ये सारे MCQ इस तरीके से आसानी से याद हो सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले की ना दबाएं, इसको बाद में डिस्कस करें, सोचें और एक एक करके इसको याद करें। ये पेपर से लिए गए हैं मुख्तलिफ एंटी टेस्ट में, नम्स के, NTS के एग्ज़ाम में, पॉसिबल NTS के एग्ज़ाम में भी इसी किस्म के आते हैं। ये जो हमने जो कुछ डिस्कस किया है ये उसी के बारे में, ये सारे MCQ हैं, इसको एक एक करके विदाउट की पहले सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए और फिर बाद में इसकी की देखें और कंपैरिजन करें, जो एक जैसे उनको इकट्ठा लिखें ताकि बाद में जब आप कंफ्यूज हों तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। अब एक और समरी मेथड होती है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको एक जगह पे सम अप कर लिया करें। अब देखिए मैंने 5 के डिजिट्स में जो आपकी चीज़ें आती हैं उनको इकट्ठा कर लिया है, मैंने फिंगर 5 हैं, इसी तरह 12 के फिगर्स में जो आती है मैं उन सबको इकट्ठा कर लिया है ताकि याद करने में आसानी हो। इसी तरह आप भी खुद समरी बना सकते हैं, इस तरह 14 के सम अप में जो आती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी होती है। तो अल्लाह करे आप भी इसको फॉलो करें और मज़ीद अगर कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर सेंड करें ताकि आपकी सजेशन को सामने रख के नेक्स्ट लेक्चर तैयार किया जा सके।